प्रथम तहलका न्यूज। फतेहाबाद में कृषि कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर को प्रस्तावित आंदोलन को सफल बनाने के लिए एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। दरअसल किसान संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित सम्मेलन पगड़ी संभाल जट्टा में बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने भाग लिया। सम्मेलन में महिलाओं की संख्या भी उल्लेखनीय रही। सम्मेलन में सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई, तो वहीं रैली को हरियाणा के अलावा पंजाब के किसान नेताओं ने भी संबोधित किया। किसान नेताओं ने सरकार को घेरते हुए कहा कि खुद को किसानों की हितेशी होने का दम भरने वाली भाजपा सरकार किसानों पर ही जुल्म कर रही है। किसानों के खिलाफ ऐसे ऐसे कानून ला रही है जिसे भविष्य में ना तो किसान रहेगा और ना ही किसानी, और एक बार फिर से देश का अन्नदाता किसानों की हालत गुलामों की तरह हो जाएगी। आज ये पगड़ी संभाल जट्टा किसान सम्मेलन किसान संघर्ष समिति के झंडे नीचे हम कर रहे हैं। हमने वो नारा दिया है जो गुलाम देश में जब हमारे देशभक्तों ने दिया था, चाचा जीत सिंह ने दिया था, पगड़ी संभालो जट्टा। आज फिर वही नीतियां देश में मोदी सरकार लेके आ रही जिससे किसानों को तबाह कर, खेती तबाह हो जाएगी किसानों की। आज दोबारा इस नारे की ज़रूरत है। हमने आज यहाँ सम्मेलन किया, ये सम्मेलन दिल्ली की तैयारी के लिए कर रहे हैं। दिल्ली की हमने बड़ी तैयारी कर रखी है, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियों से हमने दिल्ली का घराव करना है। यदि हमें प्रशासन दिल्ली की तरफ नहीं जाने देगा तो रास्तों को ब्लॉक कर लिया जाएगा। खाने पीने का राशन साथ लेके चलेंगे और बड़ी लड़ाई देश में किसान देने जा रहा है। और आप देखोगे सरसा के अंदर हमारा लगभग 50 दिनों से एक मोर्चा चल रहा है, और जो राज्य सरकार है वो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई, किसानों से बात करने को तैयार नहीं, मगर किसान इस बार लड़ेगा। आप देखो यूरिया की किल्लत है, यहाँ कालाबाजारी हो रही है यूरिया की, और मतलब खुले में खुला प्रशासन की मिलीभगत से कालाबाजारी हो रही है। दुकानदार किसानों को यूरिया के साथ जो गुल्ली डंडे की दवाई है टॉपिक वगैरह वो थोप रहे हैं, और ग्रोथ प्रमोटर के नाम से कुछ घटिया खादे दे रहे हैं, और किसानों का शोषण किया जा रहा है। सरकार सोई पड़ी है। आज हमने प्रशासन आपके माध्यम से प्रशासन को चेताना चाहते हैं, इन कालाबाजारी को बंद किया जाए, नहीं तो मजबूरन हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हर हाल में यूरिया हम लेके रहेंगे। यूरिया के ऊपर जो कालाबाजारी है जिस यहाँ के प्रशासन से मिली भगत करके की जा रही है, एक प्रति बैग 100 रुपये ज़्यादा भी वसूले जा रहे हैं, और पंजाब में यूरिया बंद कर रखी है गवर्नमेंट ने। पंजाब के साथ उन्होंने सुतेला व्यवहार कर रखा है। अभी पंजाब के किसानों की लड़ाई बड़ी है, उस लड़ाई को तोड़ने के लिए सेंटर सरकार ने मालगाड़ियाँ नहीं चला रखी और यूरिया पंजाब में नहीं जा रही। पंजाब के किसान हरियाणा के अंदर यूरिया लेने के लिए आ रहे हैं, मगर हरियाणा की सरकार पंजाब के किसानों को यूरिया देना नहीं चाहती। ये एक नारा दे रहे, एक 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 देश है एक मंडी, और अंदाजा लगा सकते हो ये इन्होंने पंजाब को ही पाकिस्तान समझ लिया है। अब पंजाब के किसानों को रोकने के जो बयान आ रहे हैं इसके हम खंडन करते हैं। हर हाल में यूरिया पंजाब को भी दी जाए और हरियाणा के किसानों को भी यूरिया मिले, ये भी हमारी एक मांग है। और आज खरीद बंद की जा रही है, धान की खरीद बंद की जा रही है, भी धान बिका ही नहीं। वो सरकार के सीएम साहब कह रहे थे हम दाना दाना खरीदेंगे, अभी भी वो जो पंजीकरण करवा रखा है लोगों के नाम पड़े, नाम ही नहीं आ रहे, और दो नंबर के अंदर धान सेलरों के अंदर भरा जा रहा है, और ये सारा प्रशासन से मिली भगत करके खेल। लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का चूना जो टैक्स के पैसों से जो खजाना भरता है उसको भी लगाया जा रहा है। और हमने ये लड़ाई आज ऐलान करेंगे दिल्ली जाने का, अभी हम शहर के अंदर के मार्च करेंगे। किसान यहाँ बड़ी लड़ाई देने के लिए तैयार है। इन नेताओं ने कहा कि जब किसान अपनी बात कहने के लिए सड़कों पर आता है तो सरकार उन पर बल का प्रयोग करती है, जैसे कि किसान किसान न होकर कोई अपराधी हो। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 26 नवंबर को बड़ी संख्या में किसान दिल्ली जाएगा। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर शासन और प्रशासन उन्हें रोकने का काम भी करेंगे, लेकिन इस बार किसानों ने ऐसी रणनीति बनाई है कि सरकार देखती ही रह जाएगी और किसान दिल्ली पहुंच जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि इस बार किसान सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर राशन पानी के साथ बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरेगा। आज पगड़ी संभाल जट्टा स्लोगन के नाम पर पगड़ी संभाल जट्टा शहीद आजम भगत सिंह के चाचा जी सरदार अजीत सिंह ने 1907 में शुरू किया। बांके दयाल की कविता से पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल हो लुट लिया माल तेरा लुट लिया माल हो, ये उसकी कंटीन्यूटी है, क्योंकि अज भी किसान लुटिया जा रहा, मजदूर लुटिया जा रहा, छोटा दुकानदार लुटिया जा रहा, कारपोरेट घराने अडानी अबानी वर्गे वो व्यापार से तो पहले काबज है, तेल से काबज आ, कारां ते काबज आ, जहाज़ां ते काबज आ, रेलवे स्टेशन ते काबज हो रहे आ, रेलवे अडानी दिती जा रही है, छोटे दुकानदारां ते वालमार्ट इत्थे एंटर कर गया, एमेजन कंपनी ने सारा व्यापार जिहड़ा आ वो छोटे दुकानदार कोल रहण ही नहीं देना, इस वे दुनिया सब तो वड्डी कंपनी है। किहड़े किहड़े किस किहड़े किहड़े किसानां ने भाग लिया जी? आज वो मनदीप जी बताएंगे।
अगे दी रणनीति की रहेगी तुहाडी? रणनीति हमारी जे पहले पंजाब से शुरू हुआ था, 5 जून को जे अध्यादेश जारी हुए थे, 5 जून को 3 अध्यादेश जारी हुए थे जो किसानों के और खपतकार के विरोधी हैं, कि 2 करोड़ तो किसानों के विरोधी हैं जे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्म है और MSP खत्म करने की बात है, मंडी खत्म करने की बात है, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो लोगों के लिए है। अगर मंडी चलेगी तो सरकार लोगों को सस्ते रेट पर दे सकती है, अगर ये व्यापारी खरीदेगा, व्यापारी नहीं कारपोरेट खरीदेगा तो वो स्टोर कर लेगा, जैसे आलू 5.50 का बिकता है, प्याज 2 रुपये 80 रुपये का बिकता है, ऐसे सारा चीज़ मिलेगा। जैसे मक्की हम से 500 के लिए है तो मक्की 3500 का आटा बिक रहा है, वो कारपोरेट कराने ऐसे स्टोर कर लेते हैं, उनके पास स्टोर हैं, छोटा दुकानदार स्टोर नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारी नीति है कि जब से ये अध्यादेश शुरू हुए हैं तब से पंजाब में लड़ाई शुरू हो गई, साथ ही हरियाणा में शुरू हो गई, वहाँ जून से शुरू हो गया, जहाँ 9 अगस्त से शुरू हो गया हरियाणा में, तो उसके बाद बढ़ती बढ़ती जब 25 सितंबर को हमने हिंदुस्तान बंद का सद्दा दिया, पंजाब बंद का, तो हिंदुस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है कुल हिंद किसान संघर्ष तालमेल कमेटी, उसने अडॉप्ट कर लिया, 18 स्टेटों में उसका प्रोटेस्ट हुआ। तो आज जो सद्दा दे रहे हैं जी 25 और 26 और 27 का दिल्ली जाने का है, इसमें 22 सूबों के किसानों ने पार्टिसिपेट किया है, हिंदुस्तान के सभी, भारत के सभी 3 जो ग्रुप थे, 3 संगठन थे, वो एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। आज 500 किसान जथेबंदियाँ सारे हिंदुस्तान में सभी एक जगह पर है, एक कमेटी बना लिया उन्होंने, और जो 26-27 तो बोल रहे हैं, जाने की बात बोल रहे हैं, वापस आने की बात नहीं है, वापस वही पक्का मोर्चा चलेगा, जितनी देर मांग नहीं मानी जाएगी वही किसान रहेंगे, खाना साथ ले जा रहे हैं, बेसन साथ ले जा रहे हैं, पकाने का सामान साथ ले जा रहे हैं, जे 3 महीने 6 महीने साल जितना भी चलेगा चलेगा, और बात एक तरफ आर पार की लड़ाई इसको बोलते हैं हम, एक कुछ ना कुछ प्राप्ति के बिना नहीं आए। सरकार दिल्ली जाने से रोकती है आपको तो कैसा है? जहां रोकेंगे वहीं गांव बसा देंगे, उसका नाम हमने रखा है घेरा डालो डेरा डालो। बता दें कि किसान सम्मेलन के उपरांत बड़ी संख्या में किसानों ने शहर में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।